नमस्कार, मैं राजेश दांगी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जो आगे की परीक्षाएं लेने वाला है या जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है, उसमें क्या-क्या बदलाव किए गए हैं। बहुत सारे लोग तैयारी सही दिशा में या सही से नहीं कर पा रहे हैं, कन्फ्यूजन है। हम वो कन्फ्यूजन दूर करेंगे और सामान्य प्रशासन विभाग ने क्या-क्या निर्देश दिए हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को आगे के एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए, हम उनकी बात करेंगे। तो हम सबसे पहले चलते हैं पीईबी एग्जामिनेशन की साइट पर। आप मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे देखिए, ये पीईबी एग्जाम डालेंगे, सबसे पहली जो साइट खुलेगी आपकी, ये इस तरीके से खुलती है। ये आपका होम पेज खुल जाता है, व्यापम बोलते थे इसको, अभी क्या बोलते हैं इसको, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है। पीवी की जो साइड है, इसका होम पेज है। इस पर दो वैकेंसी डली हुई है, इनके दोनों के फॉर्म फिल होने लगे हैं। जैसा पहला आप देख पा रहे हैं, ग्रुप 5 है। ग्रुप 5 में लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट इस टाइप की वैकेंसी हैं, जिनमें जिन्होंने 12वीं अगर बायोलॉजी से पास किया है, उनके लिए भी बहुत सारे जो वैकेंसी हैं इसमें दी हुई हैं। और दूसरी जो वैकेंसी आप देख रहे हैं, ग्रुप 3 की वैकेंसी है। ये सब इंजीनियर ड्रॉटमैन, ये सिविल इंजीनियर जो है, सिविल से अगर जिनने डिप्लोमा डिग्री की है या ड्रॉट्समैन से आईटीआई किया है, उनके लिए ये वैकेंसी बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों, ये जो नीचे वाली वैकेंसी है, संविदा बेस है, ये संविदा पर वैकेंसी है। एक कंसोलिडेटेड सैलरी मिलेगी, जो भी एडवर्टाइजमेंट में रूल दिए हैं, और ऊपर वाली भर्ती परमानेंट भर्ती है। तो ये भर्तियों से पहले मैं एक बहुत जरूरी, पिछले वीडियो भी मैंने जो ट्रेनिंग ऑफिसर का डाला था, उसमें मैंने आपको एक गजेटेड या बोलते सामान्य प्रशासन विभाग का ऑर्डर आपसे शेयर किया था। उसी ऑर्डर में मैं आज आपको सारे एग्जाम के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। और ये अगर मेरा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपको ऐसे ही ऑथेंटिक जानकारी लगातार लेके आएंगे आने वाले समय में, तो आपको सही टाइम पर जानकारी मिल सके। इसलिए रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो को आप शेयर भी करें ज्यादा से ज्यादा। तो देखिए, हम यहाँ आते हैं। अब आप यहाँ देखिए, एग्जामिनेशन शेड्यूल पे आप जैसे ही जाते हैं, तो आपको इस तरीके से एक ये पेज खुलता है। आप देखिए, यहाँ डले हुए हैं, सबसे ऊपर कौन सा डला है, आपका जो शेड्यूल पूरे डले हुए हैं जेल डिपार्टमेंट का, और लेटेस्ट पहले दूसरे नंबर पर ये है। अब ये मेरे पास कमेंट बॉक्स में आया था कि आपने जो नोटिफिकेशन था सामान्य प्रशासन विभाग का, वो कहाँ से डाउनलोड किया, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। मैं इन्फॉर्मेशन कंप्लीट शेयर करूंगा आपके साथ, पूरे सोर्स के साथ शेयर करूंगा। आप जैसे ही स्क्रॉल बार नीचे ले जाएंगे, ये आप कहाँ से गए थे, हम आप देख लीजिए एक बार, ये एग्जामिनेशन शेड्यूल पे क्लिक करते हैं तो ये पेज खुलता है। तो आप इस तरह से ये पेज स्क्रॉल बार पे आप जाएंगे, टेंटेटिव डेट है, तो ये दो स्क्रॉल बार है, एक और स्क्रॉल बार से नीचे खिसकेंगे आप, देखिएगा ये कि अंदर वाला स्क्रॉल बार है। इस पे आप जैसे ही जाएंगे, तो आप सबसे नीचे देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परीक्षा आयोजन हेतु समय समय पर प्रकाशित राजपत्रों में विभाजित परीक्षा समूहों की एक जाय जानकारी पीवी की वेबसाइट पर उपलब्ध है, या देखें, ये वही लिंक है। आप क्लिक हियर, यहाँ आप जैसे ही क्लिक करते हैं, तो आपको ये इस तरीके से आपका पीडीएफ खुल जाता है। आप ये इसका यूआरएल भी देख लीजिए, pebmpgov.in पर ये डला हुआ है। तो ये आप वन बाई वन अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। पुराने एग्जाम है, आज हो सकता है 2 साल पहले क्या एग्जाम हुआ था, 3 साल पहले क्या एग्जाम हुआ था। सामान्य प्रशासन विभाग निर्देश देते रहता है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को कि आपको किस तरीके से परीक्षाएं कंडक्ट करानी है, एग्जाम का पैटर्न कैसा रखना है, आपको कहाँ कहाँ किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछना है, 2 पेपर कहाँ लेना है, 1 पेपर कहाँ लेना है, और किस पेपर में क्या क्या आपको सामान्य जान मतलब क्वेश्चंस किन किन फील्ड से आपको पूछने हैं। तो अभी देखिए कितने समूह में बांटा, ये संशोधन भी है। अगर आप बोलेंगे तो अगले वीडियो में मैं ये सारे जो संशोधन हुए हैं, 10 फरवरी 2017 है, 10 अक्टूबर है, ये 4 अक्टूबर 2013 है, 16 फरवरी, ये संशोधन जो हुए हैं उनके बारे में भी हमारे इसी वेबसाइट पर पड़े हुए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ से देखना है। ये सारे जो या गजेटेड नोटिफिकेशन बोलते हैं, ये सारे राज्यपाल के नाम से जो जारी होते हैं निर्देश, वो भी हमारे पास पीडीएफ में पड़े हुए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये व्यापम काम करता है। चलिए हम बात करते हैं दोस्तों। देखिए पहला, आप देखिए पहला आप देख पा रहे हैं, तो पहले पे आपको देखिए पहला जो समूह है, पहला समूह आप अच्छे से समझिए दोस्तों।
कौन सा है कॉलम नंबर 2, सीरियल नंबर 2 के नीचे आप ये देखिए, आप ये आप जैसे ही देखेंगे, देखिए ये आपका पहला जो ये बना हुआ है समूह, ये देखिए आप इस समूह में आप क्या देख रहे हैं, ये देख लीजिए, ये इस समूह में क्या क्या लेवल रहेगा, स्नातकोत्तर स्तर का पेपर होगा। ये सारे पद तृतीय श्रेणी के हैं दोस्तों, तो इसमें तृतीय श्रेणी के पद होते हैं नॉन गजेटेड, जितने भी पद होते हैं वो तृतीय श्रेणी में आते हैं, थर्ड क्लास जो पोस्ट होती है तृतीय श्रेणी वो आती है, बी क्लास अलग रहती है, ए क्लास जो आईएएस लेवल होता है इससे एक बी क्लास होती है, उसकी हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। इसको समूह एक को या ग्रुप वन को सब ग्रुप 3 में बांटा हुआ है। पहला सब ग्रुप कौन सा है, कृषि का है, तो जो कृषि से जिनके पास योग्यता है, अगर एजी से इन्होंने अगर पीजी किया हुआ है या इस टाइप के जितने भी क्वालिफिकेशन है एग्रीकल्चर फील्ड में, उनके लिए ये जो पहला समूह है इसकी जो परीक्षा होगी इसमें क्या क्या पद रहेंगे आप ये समझ लीजिए। ये पद हैं आपके सहायक संचालक, मंडी सचिव, मंडी सचिव क्लास ए का पोस्ट है, सहायक बीज प्रमाणीकरण ये आ गया। अब कुल प्रश्न पत्रों की संख्या कितनी होगी इसमें, ये 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र क्या होगा वो आप देख लीजिए, ये जो सामान्य जो जानकारी है ये दोस्तों, ये जहां जहां 2 पेपर होना है वहां पर ये जो पहला सेक्शन है जो 100 क्वेश्चन है वो उनका लेवल सभी का सेम है, वही पूछा जाना है अधिकांश क्वेश्चंस में, अधिकांश जो एग्जाम होगा उसमें पूछा जाना है। अब आप देखिए, पहला तो समूह था जिसमें सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर से जिन्होंने पीजी किया हुआ है या ग्रेजुएशन किया हुआ है, पीजी का है ये, मतलब जिन्होंने एग्रीकल्चर में पीजी किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है या स्नातकोत्तर उनके लिए। अब दूसरा सहायक सांख्यिकी अधिकारी, वरिष्ठ अनुसंधान सहायक, और ये जो ये वाले आपको जो पद देख पा रहे हैं समूह 2, अब ये समूह 2 है। अब ये समूह में आप देख लीजिए कि वरिष्ठ, अभी ये देखिए आप, ये दूसरा समूह है, मतलब इसका ग्रुप 1 के अंदर सब ग्रुप 2 है, इसमें ये चीजें पूछी जाएंगी। इसका पेपर और जो ऊपर वाले का पेपर है एक ही पेपर होगा लगभग, इसी टाइप संबंधित विषय, संबंधित विषय मतलब ये सांख्यिकी है, स्टेटिक्स वाले जो लोग हैं बीएससी स्टेटिक्स से करते हैं, पीजी स्टेटिक्स से कर लेते हैं, एमएससी करते हैं, एमएससी करते हैं इस टाइप से, या एमए करते हैं, वो जो उनके कोर्स हैं उनमें आपसे पूछा जाना है ये। अब तीसरा इसका उप समूह है, या इसको बोलते हैं सब ग्रुप है, प्रबंधक, उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, ये इसमें भी क्या पूछा जाना है ये आप यहाँ देख लीजिए, 100 क्वेश्चन आपके वही रहेंगे सामान्य हिंदी अंग्रेजी इसमें। फिर जो इसका दूसरा जो पार्ट है इसको आप थोड़ा सा समझिए, इसमें क्या चेंज किया उन्होंने, 100 नंबर का तो वो रख दिया सामान्य जो एग्रीकल्चर और स्टेटिक्स से पूछा जाए, लेकिन इसके अंदर इन्होंने पूरा ही अगर हम बोल लें सामान्य पेपर रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इनने एक चीज जो सामान्य प्रबंधन पूछा है ये एक्स्ट्रा कर दिया। सामान्य प्रबंधन हो सकता है 50 नंबर का हो और बाकी चीजें 150 नंबर की हो, सामान्य ज्ञान अभिरुचि उसी में आ गया है, तो पहला पेपर भी वैसा ही होगा और दूसरे पेपर का भी 70% पार्ट कॉमन ही होना है उसमें। तो ये तो हो गया हमारा पहला जो समूह है, पहले समूह की हमने बात कर ली। अब देखिएगा आगे हम बात करते हैं, इसमें योग्यता वही है, आपको पीजी की जरूरत है। अब देखिए समूह 2 है, ये बहुत ज्यादा समझने वाली बात है। अब आप समूह 2 पे आइए, हम 2 पे बात करेंगे। देखिए अब समूह 2 पर क्या दिख रहा है आपको, पहला जो उपवर्ग है या उप समूह है या बोलते हैं सब ग्रुप है, इसमें कृषि है, एग्रीकल्चर से जिन्होंने स्नातक किया है या ग्रेजुएशन किया हुआ है उनके लिए क्या क्या पद हैं ये आपको यहाँ पे देख लीजिए, आपको पूरे पद दिख पा रहे हैं। निरीक्षक, मंडी सचिव, मंडी सचिव क्लास 2 होता है, छोटी मंडियों में जिसकी भर्ती होती है, ये आपके रहेंगे। इसका पेपर और ये ऊपर जो देख पा रहे हैं आप, ये वाणिज्य मतलब ये कॉमर्स से अगर जिनने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो कॉमर्स वालों के लिए भी है दोस्तों, कॉमर्स वाले सोचते हैं हमारे लिए कोई एग्जाम नहीं निकलता, तो लेखापाल है, सहायक है, संप्रेक्षक, ऑडिटर है, ये इस तरह के जो एग्जाम होने वाले हैं वो कॉमर्स वालों के लिए। ये दोस्तों आगे जो परीक्षाएं होंगी उसका है ये फाइनल एग्जाम का पैटर्न है कैसा पूछा जाना है, ये आप देख लीजिए, ये आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आप देखिए इसमें भी क्या पूछा जाएगा, ये वाला हिस्सा है ये सभी में कॉमन चल रहा है, संबंधित विषय का मतलब आप ऐसे समझिए, इनमें संबंधित विषय होगा तो जो पहला है कृषि समूह तो कृषि से रिलेटेड उसमें ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन रहेंगे 100, और दूसरा जो वाणिज्य तो कॉमर्स से रिलेटेड रहेंगे 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप, और विज्ञान वाला जो है तो उसके साइंस से रहेंगे, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री आ जाता है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री आएगा, ये हो गया। अब आप देखिए नीचे उप समूह 4, ये वाला आप देख लीजिए,
इसके लिए भी दोनों पेपर होने वाले। इसका पेपर भी जो ऊपर हमने देखा था ना पीजी वाला, उसी तरह से इसका पेपर होगा। इसमें काफी पद दिए हुए हैं, प्रोग्रामर, सहायक, संरक्षक, उप निरीक्षक, सहायक, ये आप बहुत सारे पद देख पा रहे हैं। आप इनमें से जिन भी पद की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या तैयारी करनी पड़ेगी, ये तो सभी में आना है। इसके अलावा भी आपको देखिएगा, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ तक का हिस्सा, ये कंप्लीट है। ये दोनों पेपर भी लगभग कॉमन होने वाले हैं। सामान्य प्रबंधन मतलब सामान्य है, जनरल मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उसकी तैयारी करना है। तो अब आप समझिए कि ये जनरल पेपर है तो इसकी भी आप तैयारी करेंगे। इसमें क्वालिफिकेशन इन्होंने, ये आप यहाँ ये समझने वाली बात है, उप समूह चार है, इसके अंदर उन्होंने स्पेशल नहीं बोला है कि विज्ञान से हो या वाणिज्य से हो या कृषि से, यहाँ कोई भी ग्रेजुएट चलेगा। इसका मतलब ये जो पद है इधर वाले शिक्षक निरीक्षक, इनमें कोई किसी भी ग्रेजुएशन का चलेगा, चाहे बी बी टेक हो तो यहाँ चलेगा। इसलिए सामान्य प्रबंधन इनने जोड़ा है, सामान्य प्रबंधन जोड़ा है तो कॉमर्स और ये इस टाइप से रहने वाला है। तो ये था हमारा, देखिए अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपके ग्रेजुएशन लेवल की, सारे इनमें आपको योग्यता क्या है, संबंधित किसी भी विषय में स्नातक की उत्तीर्ण किया हो। अब आप देखिए इसके बाद आता है, आप ये यहाँ अच्छे से समझ लीजिए, ये क्या है, सहायक समूह तीन, हायर सेकेंडरी लेवल। इसी की अभी जॉब निकली हुई है, मैं आपको इधर लिंक करके बताता हूँ, इसी का मैं आपको लिंक करके बताता हूँ पूरा। देखिएगा इनमें आपको ऐसा लगेगा कि हाँ जो होने वाला है वो वैसे ही होगा। देखिए आप, ये समूह तीन है, इसमें क्या क्या पोस्ट हैं, उपयंत्रीय सिविल की जो अभी निकली है वैकेंसी, इसमें क्या पूछा जाना है आप देखिए। ये तो पहला पेपर कॉमन हो गया 100 मार्क्स का, और इसके बाद का जो पेपर है संबंधित, ये एग्जाम में होने वाला है, इसमें दो पेपर होने वाले हैं। अब आप देखिए मैं आपको वहीं ले चलता हूँ, ये देख लीजिए, ये किसकी, जो मेरे पास रूल बुक खुली हुई है, ये जो सिविल इंजीनियर का जो उप यंत्री की परीक्षा होने वाली है, देख लीजिए आप। लिखा है पहला, आप देख लीजिए यहाँ पर, सामान्य ज्ञान, असामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, अभिरुचि, तकनीकी ट्रेड पर आधारित 100 क्वेश्चन। इसका मतलब ये चीज क्लियर हो गई आपको, संबंधित विषय सामान्य सामान्य विज्ञान की सारी चीजें हो गई। और ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको आपको एक तरह से और समझना होगा, जो ऊपर का हिस्सा है सामान्य, जो 12वीं लेवल का रहता है, ये इसमें अंग्रेजी है 10वीं लेवल की काफी चीजें रहेंगी, मैथ भी 10वीं लेवल का रहना है, हिंदी सब 10वीं लेवल का ही रहेगा जो सामान्य पेपर होगा। इसमें देख लीजिए आपको ये चीजों की जरूरत है। अब हम आते हैं, अब ये तो योग्यता है, वो योग्यता की बात आप देख ही रहे हैं, जो चीजें आपको जरूरी है। अब हम आ जाते हैं समूह चार पर, अभी वो भी समूह जो था वो भी 10+2 पे बेस था। इस पर मैंने पिछले वीडियो में भी बात की आपसे, देखिए इसका एक ही पेपर होगा। अब जब एक ही पेपर होना है तो एक ही पेपर की हम बात करें, देखो अब ये समूह में देखिए एक ही पेपर होना है। हाँ तो हम अभी इस पे मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कशन किया हुआ था कि ये जो आपकी है पटवारी है, इनकी जो परीक्षा होने वाली है प्रशिक्षण अधिकारी की, तो इसमें एक ही पेपर होगा। अब मैंने देखिएगा बता दिया है आपको, जो लेटेस्ट वैकेंसी निकली है इसी जो सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश है इसी के अकॉर्डिंग निकली है। इसका मतलब 100% प्रूफ है कि जो आने वाली प्रशिक्षण अधिकारी की पोस्ट है वो उसमें ऐसे ही प्रश्न पूछा जाना है। आप खुद देखिएगा, इसको डाउनलोड कीजिएगा, और जो अभी दो वैकेंसी निकली है उनमें किस तरीके का पेपर आया है वो चीज आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अभी और हम नीचे आते हैं, अभी आप देखिए ये जो परीक्षा है इसमें हम देख लेते हैं। अभी देखिए इसकी भी वैकेंसी निकली हुई है, ये मेरे पास खुली हुई है, देखिए कर्सर दिख रहा है ये, इसमें देखिएगा क्या बोला है इन्होंने वो आप समझिए। अभी ये देखिएगा इसमें क्या है, समूह 5 हायर सेकेंडरी लेवल 10+2, इसमें लैब टेक्नीशियन, चिकित्सा, ये सब मेडिकल के पद हैं, तो इनमें क्या पूछा जाना है। अब आप देखिए इनमें डिवाइड नहीं किया इन्होंने, पूरे ही का पूरा पेपर है, 100 नंबर का पेपर होगा, ये सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और ये सब चीजें रहेंगी, तकनीकी ट्रेड पर आधारित होगा एक ही प्रश्न। अब देखिए आप इसका मैं ले चलता हूँ आपको इसकी पीडीएफ, अब देखिए आप देख पा रहे हैं आप, सामान्य ज्ञान और सामान्य तकनीकी ट्रेड पर आधारित 75 क्वेश्चन है इनके 75। तो पेपर का देखिएगा आप, ये लिखा हुआ है 10 फरवरी 2017 के अनुसार। देखिए सामान्य प्रशासन विभाग का जो परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र होगा, आप यहाँ से समझिए, ये चीज बहुत जरूरी है आपको समझना। दिया इन्होंने
जो 6 दिनांक 6/10 फरवरी 2017 में जो संशोधित पत्र, उसमें बोला था एक ही पेपर होना है। अब देखिए इस पत्र पे मैं आपको ले चलता हूँ, 10 फरवरी देखिएगा आप कब हुआ है ये, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, यही है ना, ये संशोधन पत्र है, ये गजेटेड। तो अभी आगे की परीक्षाएं भी इसी जो सामान्य प्रशासन विभाग का 11 अगस्त को 2017 को जो निकला है उसी पर बेस्ड होंगी। तो दोस्तों कंफ्यूज ना हो, परीक्षाएं जैसी होना है मैंने आपको बता दिया है, तो आप उसी के हिसाब से तैयारी करें, किसी के बहकावे में ना आए, कंफ्यूजन में ना रहें, क्योंकि तरह तरह के यूट्यूब चैनल हैं वो अपडेट नहीं कर पाते हैं अपने आप को, तो वो क्या है उस वीडियो के माध्यम से आप जुड़े रहते हैं और आप उसी के हिसाब से अपनी तैयारियां चालू कर देते हैं और वहां पर आपको समस्या आती है। आप देखते हैं पेपर कुछ आना है और आप पढ़ कुछ लेते हैं, फिर आप देखते हैं जब नोटिफिकेशन आता है तो आप देखते हैं कि यार इसमें तो ऐसा पूछा है, हम कोर्ट में जाएंगे ऐसा करेंगे, क्योंकि आप जब जाएंगे आप तो वो हवाला देंगे कि हमने सामान्य प्रशासन विभाग ने ये पहले ही डाल दिया था पीएबी की साइट पर। तो ये मेरा पूरा, बाकी और भी जो चीजें हैं जितनी आयु सीमा है ये है, ये पूरा डाला हुआ है। तो दोस्तों एग्जाम की तैयारी करने से पहले मेरा वीडियो एक बार जरूर अच्छे से पूरा देख लें, जिससे आप अलर्ट रहें, सतर्क रहें, आपको क्या क्या परीक्षा में पूछा जाना है, ये कहाँ से डाउनलोड करेंगे आप, ये आपका भी छिपाता नहीं हूँ कोई भी इंफॉर्मेशन, या हाइड नहीं करता हूँ जो चीज है मैं। अब आप सोचिए एक ही वीडियो के माध्यम से मैं संपूर्ण जानकारी देने की पूरी कोशिश की है मैंने इस वीडियो में, ये है। और जाते जाते दोस्तों मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, अब आप देखिए यूजर का जो शुल्क है वो 20 रुपए है और एमपी ऑनलाइन का पोर्टल चार्ज है 60 रुपए, मतलब 40 रुपए का अंतर है। तो करना क्या है आपको, अपनी प्रोफाइल जाके एमपी ऑनलाइन पर बनवाना है, अगर आपने पटवारी के लिए बनवाई है तो वही वाले सामान्य पंजीयन से आप फॉर्म भर सकते हैं, आगे की चीजों में कोई भी अपलोड नहीं करना पड़ता, प्रोफाइल में आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए बस वही रहते हैं, उसी के बेस पे आपको आगे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाते हैं, डिटेल भरते जाते हैं, फॉर्म सबमिट कर देते हैं। तो ये सिटीजन का रजिस्टर्ड यूजर है, मेरे चैनल पे एक बहुत पहले वीडियो मैंने बनाया था कि एज ए सिटीजन कैसे रजिस्टर्ड करें, तो वो भी आप करना सीख जाएंगे, और इस पर भी हम वीडियो लेके आएंगे कि आपको हर एक एग्जाम का फॉर्म भरना है, 40 रुपये कैसे बचाना है, तो वो वीडियो जरूर आप देखिएगा। मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आप वीडियो मेरा देख रहे हैं, जो नए व्यूअर हैं या जो नए सब्सक्राइबर आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं चैनल में, और इसी तरह आप ज्यादा से मेरा वीडियो और जो नए व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे भी हिट करें, जिससे आपको जानकारी मिलती रहे, हमारी जानकारी ऑथेंटिक है, जहां भी जो भी अपडेट आएगा हम आपको लगातार वीडियो से देते रहेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर आप बताएं, और हमको नेक्स्ट जो हमारे वीडियो, आपको किस तरह के वीडियो चाहिए वो हमको आप बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।